और उसने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज की और वहीं से उसने इंट्रोड्यूस करवाई डिस्प्लेसमेंट करंट। ये देखिए बड़ा ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशन, ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। ये उसने इंट्रोड्यूस करवाई डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि ये पीछे हम इसकी एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देख के आ चुके। तो बेटा इसमें से ये फ्री चार्जेस तो नहीं पास करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान करंट होगी, लेकिन वो करंट फ्री चार्जेस की वजह से नहीं होगी, क्योंकि फ्री चार्ज तो इधर पास कर ही नहीं सकता, ठीक है। वो जो करंट होगी दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट करंट, अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट आती है। हाँ ऑफ कोर्स दिस डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू दैट फ्री करंट। क्यों क्यों इक्वल है बेटा? आप सिंपली जानते हैं कि हमें पता है कि फ्लक्स ऑफ जे थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो अगर फ्लैट सर्कुलर सरफेस, एक आपके पास ओपन सरफेस है, एक आपके पास ओपन बलून शेप सरफेस है, दोनों को मिलाए तो आपके पास क्लोज सरफेस बन रही है। तो बेटा इस फ्लैट सरफेस में से अगर आई करंट अंदर को दाखिल होती है तो इस बलून शेप सरफेस में से आई करंट ही बाहर जानी चाहिए। टोटल फ्लक्स ऑफ करंट थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, दिस इज द चार्ज कंजर्वेशन। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो जाहिर है हमें कहते हैं कि यहाँ अंदर इस पर से फ्री करंट तो पास हो नहीं रही बलून शेप सरफेस में, जाहिर है फिर डिस्प्लेसमेंट करंट ही होगी और वो इक्वल होगी उस फ्री करंट। ये चीज बात क्लियर है बेटा? या दूसरे लफ्जों में हम पीछे देख के आ चुके हैं कि मैक्सवेल ने जे टोटल यानी कि जे एफ को रिप्लेस किया था जे एफ प्लस जे डी के साथ राइट साइड पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करके। इसका मतलब है यहां पे जे टोटल होगी जे एफ प्लस जे डी। बात क्लियर है? अच्छा बेटा एट दिस सरफेस एस यानी कि एट फ्लैट सर्कुलर सरफेस जे डी विल बी जीरो, क्योंकि हमें पता है जे डी एग्जिस्ट करती है बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, लेकिन जे एफ इस सरफेस पे जीरो नहीं होगी, यानी कि इस केस में जे टोटल होगी ओनली जे एफ, जे डी जीरो। जाहिर है जे डी अगर जीरो हो तो जे टोटल इज जे एफ ओनली। ये बात क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आते हैं बलून शेप सरफेस। बलून शेप सरफेस पे बेटा क्योंकि जे डी अंदर एग्जिस्ट करती है, हमें पता है फ्री करंट अंदर से फ्लो नहीं कर सकती, तो वहां जे एफ जीरो होगा बलून शेप सरफेस पे और जे डी जीरो नहीं होगा, यानी कि टोटल करंट होगी जे डी की वजह से। बात क्लियर है बेटा? कोई मसला तो नहीं है? अब जिक्र करते हैं, अभी भी बात खत्म नहीं हुई बेटा, अभी आपको जब तक आपको समझ नहीं आएगी ऐसे तो मैं यानी के भागने वाला। अब यूं सोचें कि ये जे डी है क्या? हाँ जरा अब इस पे आ जाएं कि ये जे डी ठीक है, ये फ्री करंट इधर से नहीं फ्लो कर रही बिटवीन द प्लेट्स, ये कोई है मैक्सवेल जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहता है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से आती है? बात समझ आ रही है बेटा? बेटा ये करंट यहां से आती है। अच्छा इस एक्सप्रेशन से कैसे आती है बेटा? आपको पता है कि टाइम वेरिंग करंट फ्लो कर रही है इस वायर में से, ठीक है। टाइम वेरिंग का मतलब है कि फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, कभी उसकी वैल्यू इंक्रीज करना शुरू करती है, मैक्सिमम पे पहुंचती है, डिक्रीज करना शुरू करती है, जीरो हो जाती है, फिर और डिक्रीज करती है, मिनिमम में पहुंचती है, फिर इंक्रीज करना हो जाती है, फिर जीरो से पास करती है, फिर मैक्सिमम। बात समझ आ रही है ना? दिस इज टाइम वेरिंग करंट, फ्लक्चुएटिंग करंट। तो बेटा क्या होगा, और यही वजह बनती है इसमें कंटिन्यूस करंट फ्लो करता रहता अगर एसी सोर्स लगाए, कि क्या होता है कि ये कैपेसिटर कभी भी फुली चार्ज नहीं हो पाता अगर एसी सोर्स हो। क्या है कि चार्जेस पॉजिटिव यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं डेफिनेटली, बट ड्यू टू द फ्लक्चुएटिंग करंट, क्योंकि करंट फ्लक्चुएट कर रहा है टाइम के साथ, कम ज्यादा हो रहा है। तो बेटा करंट क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है इन प्लेट पे, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज टाइम के साथ कम ज्यादा हो रहा है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज टाइम के साथ कम ज्यादा हो रहा है। बात समझ जा रही है बेटा? ठीक है ना? और उसकी वजह से क्या होगा
बेटा आपको इतना पता है कि अपोजिटली चार्ज शीट हो, कैपेसिटर प्लेट्स क्या होते हैं, अपोजिटली चार्ज है ना, उनके दरमियान एक फील्ड इस्टेब्लिश होती है जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर तो चार्ज कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। बेटा पीछे हम कई दफा कह चुके हैं कि टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि चार्ज फिक्स है, कांस्टेंट है उन प्लेट्स के ऊपर। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर चार्ज टाइम के साथ कम ज्यादा हो रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों स्टैब्लिश होती है? उसी चार्ज की वजह से होती है ना। तो अगर चार्ज उन प्लेट्स पे कम ज्यादा हो रहा हो तो मैं कह रहा हूं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टैब्लिश हुई है बिटवीन द प्लेट्स वो भी कम ज्यादा हो रही है, टाइम के साथ वो भी वेरी कर रही है। और बेटा हमें पता है कि पीछे हम वो टर्म क्या क्या आए हुए हैं, हम फैराडेज लॉ के साथ कंपेयर करके क्या क्या आए हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। वो जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स दैट विल प्रोड्यूस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से हो सकती है? करंट की वजह से। उस करंट को बेटा हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, दैट इज नॉट फ्री करंट, दैट इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। बात क्लियर है बेटा? अच्छा, सो हम कहते हैं कि आई, जैसे हम आई एफ भी मैं बार बार कह रहा हूं, जो कि इस कंडक्टिंग वायर लूप में से फ्लो कर रही है, बेटा आई इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री या कंडक्शन चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आई है? आई डी जो कि सिर्फ और सिर्फ बिटवीन द प्लेट्स एग्जिस्ट करती है, बेटा मैं कहता हूं ड्यू टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। बात समझ आ रही है? दिस आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट एसोसिएटेड विद दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। बात क्लियर है? इस वजह से इसी सोर्स में तो करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा, ये उसी डिस्प्लेसमेंट करंट की बदौलत है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब क्या है कि हाउएवर यू नो दैट दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दैट कंडक्शन करंट, दैट फ्री करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। बात क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हम मैं जरा और रोशनी डालना चाहता हूँ कि क्यों मैं कहता हूँ कि कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करती है और कैपेसिटर प्लेट के बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके बेटा, इसकी तरफ आते हैं। ये बेटा सारी मैंने बात लिखी हुई है, व्हेन द कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग देयर इज नो, वही जो भी बता चुका हूँ, देयर इज नो कंडक्शन ऑफ चार्जेस बिटवीन द प्लेट्स। हाउएवर बिकॉज ऑफ चेंज इन चार्ज एक्युमुलेशन विद टाइम अबव द प्लेट्स the electric field changes and that produce magnetic field and this current displacement associated with that time varying magnetic field. वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। बात क्लियर है? अच्छा, अब बेटा आज बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, हालांकि लास्ट क्लास थी, हाँ अच्छा चलिए। बहरहाल बेटा ये अब मैं बताना चाह रहा हूँ, आपने असल में लोगों की जिंदगी आसान कर दी है ना कि वीडियो लेक्चर भी आपने उन्हें दे देना है, ये यानी कि पिक्स उन्हें वैसे मिल जाती हैं तो वो सोचते होंगे आराम करो छोड़ो आराम से बैठते हैं। हालांकि अच्छा होता है कि आप के पास ऑप्शन होता है कि आप टीचर से सवाल भी कर सकते हैं, मैं आखिर में पूछता हूँ कि अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्या है बेटा कि अब हम ये बात कर रहे हैं कि बेटा हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं तो वही चीज है, इसीलिए हम वो छोटी छोटी आसान एग्जांपल जिन्हें स्टूडेंट समझते हैं कि ये बड़ी आसान एग्जांपल है, ये आसान एग्जांपल है लेकिन हर जगह यूज होती है कि पीछे हम ऐसा चैप्टर टू में आपने दो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज यानी कि दो प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की होगी, ठीक है, कि एक पे प्लस सिग्मा है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है, दूसरे माइनस सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है,
क्योंकि नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बिटवीन द प्लेट्स एंड लेफ्ट एंड टू द राइट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट भी फील्ड कैलकुलेट करें। तो बेटा आपने वहां पे कैलकुलेट किया है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो स्टैटिक कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम वेरिंग है ये, तो अदरवाइज कोई मसला नहीं है। आपने याद होगा कि मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्युमुलेट होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे एक्युमुलेट होता है। तो बेटा आपने ये देखा था कि लेफ्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, राइट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन बिटवीन द प्लेट एग्जिस्ट करती है जो कि इक्वल है, ये मैंने लिखी हुई है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर है, ठीक है ना? अब बेटा ये है ना, यही हमने फाइंड की थी कि बिटवीन द प्लेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। बेटा फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ डिपेंड कर रही है, वो भी जीरो ही होगी, कोर्स टाइम डिपेंडेंस डाल दी जीरो होगी, अंदर जो है यहाँ पे भी टाइम डिपेंडेंस होगी, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा डिपेंड्स ऑन टाइम हियर। बात समझ आ रही है? गैर फ्लक्चुएटिंग, पीछे से करंट मिल रहा है, चार्ज फ्लक्चुएटिंग है, तो चार्ज फ्लक्चुएट करने का मतलब है चार्ज कम ज्यादा हो रहा है इस प्लेट पे, तो सिग्मा भी कम ज्यादा हो रही होगी टाइम के साथ। सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज कम ज्यादा हो रहा है तो सिग्मा भी ज्यादा टाइम के साथ कम ज्यादा हो रही होगी। बात समझ आ रही है? अदरवाइज रिलेशन यही होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, देयर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। बात समझ आ रही है? चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। बात क्लियर है बेटा? आप इसको दोनों तरफ, इस इक्वेशन को दोनों तरफ टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लें, पार्शियली पार्शियल ई बाय पार्शियल टी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा। हाँ, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए तो कांस्टेंट है, बाय ले आए 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, पार्शियल क्यू बाय पार्शियल टी, क्योंकि यहां पे चार्ज जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, पार्शियल क्यू बाय पार्शियल टी, लेकिन चार्ज सिर्फ और सिर्फ यहां पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है, स्पेस पे नहीं, इसलिए बेटा हम पार्शियल बाय पार्शियल टी को डी क्यू बाय डी टी लिख सकते हैं। टोटल डेरिवेटिव एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंस है अगर टाइम पे चार्ज की, तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, और डी क्यू बाई डी टी क्या है बेटा? टाइम वेरिंग करंट है, तो टाइम वेरिंग करंट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और एप्सिलॉन नॉट इधर पार्शियल ई बाय पार्शियल टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और आई बाय ए क्या है? करंट डेंसिटी। तो बेटा ये चीज ठीक नहीं है, एप्सिलॉन नॉट टाइम पार्शियल ई इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द टू प्लेट्स। समझ आती है? और क्योंकि यहाँ ये टाइम वेरिंग फील्ड जीरो है बेटा, तो बेटा आप देख रहे हैं कि जेडी का ताल्लुक है टाइम वेरिंग फील्ड के साथ। अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैं कह सकता हूँ जेडी विल बी जीरो एंड हेंस आईडी विल बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी जीरो आउटसाइड द प्लेट। या अगेन बिकॉज द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और वो जीरो हो तो जेडी विल बी जीरो, एंड दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ आईडी विल बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो। सो इसलिए मैं सही नहीं कह रहा था कि इस सरफेस पे आईडी जीरो होगी, इधर भी आईडी जीरो होगी, इधर सिर्फ और सिर्फ ये फ्री करंट होगी जो कि कंडक्शन चार्जेस की वजह से फ्लो कर रही है, और बिटवीन द प्लेट्स क्योंकि ये टाइम वेरिंग फील्ड जीरो नहीं होती है, आप देख ही रहे हैं सारा मैंने ये करके आपको दिखाया, ठीक है? तो इन बिटवीन द प्लेट्स जेडी विल नॉट बी जीरो, दैट मींस आईडी विल नॉट बी जीरो, displacement current will exist only between these two plates, and that displacement current is different from this free current. ठीक है, free current कभी भी इस capacitor plate से flow नहीं कर सकती, ठीक है? बात clear है ना? That current is the displacement current between the, or that displacement current make it continuous के आपकी current हमेशा flow करती रहती है, और यहाँ पे जो bulb लगाया हुआ है इस source दिया है तो यहाँ बल्ब हमेशा जलता रहेगा, लेकिन अगर डीसी सोर्स देते हैं तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं थी जो करंट को रिड्यूस रेगुलेट कर। बात समझ आ रही है बेटा? आई होप सो के इसमें कोई मसला तो नहीं, अगर कोई सवाल है तो फिर भी पूछ सकते हैं। आई होप सो के मैंने काफी एक्सप्लेन किया है कि ताकि आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का बिल्कुल सही आइडिया हो जाए, ठीक है बेटा? अगला पेज शेयर करें, क्लियर है? ओके,
ओके 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 ठीक है बेटा, मैं इस तरह करता हूँ कि आप क्या ना मैं आपको नया लिंक भेजता हूँ, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि अभी हमारा लेक्चर एंड नहीं हुआ। ठीक है।